Hello everybody, good morning. So my dear friends, now we are going to discuss clear about the Venn diagram. So this is a set theory from NCERT mathematics, so class 11. So this is set theory NCERT class 11, and this is lecture number 4. So my dear friend, here you will learn about Venn diagram. Clear, Mr. John Venn ने clear, so ये discover किया था Venn diagram, तो उसका नाम से ही clear Venn diagram है. ये diagram को उसने discover किया था. क्या discover किया था? जो universal set है, universal set को वो rectangle से represent किया था, clear. और जो छोटा set है, उसको क्या है देखो, उसको circle से represent किया था. ठीक है, जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को आप क्या करोगे, ऐसा रेक्टेंगल से इसने रिप्रेजेंट किया था. ठीक है, क्लियर. सो दिस इज यूनिवर्सल सेट को आइदर यू और कैपिटल एक्स से आप डिनोट कर सकते हो. एंड इसके अंदर सब जो छोटा छोटा सेट है, सपोज दिस इज ए सेट, सपोज दिस इज बी सेट, सपोज यू कंसीडर दिस इज सी सेट, इसको रेक्टेंगल, इसको सर्किल से डिनोट किया था. क्लियर, बस ये आपको सीखना है. एंड जो इसका जो एलिमेंट है, एलिमेंट को यहीं पे सब लिखा था, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है उस इससे रिप्रेजेंट किया था. अभी जो आपको सीखना है यूनियन ऑफ टू सेट्स. यूनियन ऑफ टू सेट्स का क्या मतलब है, देखो सपोज यू कंसीडर्स लाइक दिस. ठीक है, क्लियर, ए रेक्टेंगल है. ठीक है, यूनियन ऑफ टू सेट्स है. So like this, so this is what, this is A set, and suppose this is B set, clear. So whenever you will find out the union of two sets, clear, A part hai, clear. So this is A sare part hai, union of two sets, theek hai, clear. So like this, this part is the union of two sets, theek hai, clear. So this is like this. एंड हियर इसको डिनोट ऐसा करके वो लुक करोगे, ए यूनियन बी, एंड ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए, क्लियर, और एक्स बिलोंग्स टू बी, और बोथ, क्लियर, और एक्स बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी. ठीक है, क्लियर. सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब है, जैसा सपोज क्लियर, सो दिस इज A, suppose A set is 1, 2, 3 and B set is, suppose kya hai, 3, 4, 5 hai. Whenever you will write A union B, so you will write, jo clear, yahi pe isko ek bar hi aap consider karoge, so this is 4, 5. Suppose if you consider like this, theek hai, suppose if you consider, let A is equal to AB hai. ठीक है, B is equal to CD है, so this is A union B, जब लिखोगे, so this is A, B, C and D है, so this is A union B, so that is A, B, C, D है, clear? So my dear friends, so this is union of two sets. Union of two set is the set of all those X, where X belongs to A, or X belongs to B, or both X belongs to A and A, B. Clear? So this is union of two sets. अभी properties of the operations of union, it's just simply इसका नाम को कुछ properties का बारे में आपको मालूम होना चाहिए. Clear? A union B equal to B union A, इसका नाम है commutative law. ठीक है, A union B union C equal to A union B union C, इसका नाम है associative law. A union 5, 5 का बीच में तो कोई एलिमेंट नहीं है, so A union 5, that is A, suppose 5 is 0 है. ठीक है, clear, suppose like this, 2 plus 0, so that is equal to 2, A पे 0 is the identity element of 2 है, so that means क्या, इसीलिए लिखा identity law. A union A, so that is A है, clear, so it will write, so this is, इसका नाम है idempotent law. ठीक है, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, सो दैट इज इज यूनिवर्सल सेट, और ए यूनियन एक्स, सो दैट इज एक्स, क्लियर, इसका नाम है यूनिवर्सल लॉ. ठीक है, क्लियर. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जस्ट लॉ को बताने के लिए मैंने ये सारे लिखा है, कि बिना एनसीईआरटी की बुक में है, ये आपको मालूम होना चाहिए, कि बिना इसका एप्लीकेशन बाद में है, क्लियर. सो यहीं पर भी इसका एप्लीकेशन आप सोच सकते हो, जैसा देखो
जैसा ए यूनियन बी, ठीक है क्लियर। सो दिस इज जैसा ए, मैंने ऐसा लिखा हो, देखो मैंने लेट सपोज दिस इज ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू सपोज 2 3, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, सो दिस इज 1 2 3 एंड बी यूनियन ए क्या होगा, ए भी तो 1 2 3 है, ठीक है। सो दैट मीन्स दोनों इक्वल है, ठीक है। एंड सपोज लाइक दिस सेम वे क्लियर, सपोज ए इज इक्वल टू छोटा छोटा सेट ले लो ए, बी इज वन सपोज बी एंड सी इज वन सपोज सी है। देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये क्या होगा, सो दिस इज ए बी सी एंड सो दिस इज ए यूनियन बी यूनियन सी, ये क्या होगा, ए भी तो ए बी एंड सी है, ठीक है क्लियर। अभी सपोज लाइक दिस थर्ड का, थर्ड के लिए क्या है, देखो सपोज लेट ए इज इक्वल टू क्या है 1 2 है, 5 में तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो ए यूनियन 5 तो ये क्या हो, सो दिस इज 1 2 है क्लियर। एंड सपोज लेट क्लियर ए यूनियन ए, ठीक है इसको तो एक बार ही कंसीडर करते हैं 1 2, सो दिस इज ए है, ठीक है। अभी ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ठीक है यूनिवर्सल सेट, सपोज इफ यू कंसीडर लाइक दिस लेट एक्स इक्वल टू 1 से 10 एंड ए जो है क्लियर ए जो है, सो दैट इज व्हाट, जब ऐसा होगा सो दिस इज सपोज 1 2 3 है, अभी क्या है देखो एक्स यूनियन ए, तो ये ए क्या होगा, ए तो 1 से 10 ही हो, सो दैट इज व्हाट एक्स, सो इन दिस केस में सो ये मस्ट बी ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ए यूनियन एक्स इक्वल टू एक्स, सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट, ए मस्ट बी ए सबसेट ऑफ एक्स है, क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स ये था यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है क्लियर, दैट्स ऑल। नाउ वील डिस्कस अबाउट द इंटरसेक्शंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। अभी आपको क्या मालूम हो गया ऑलरेडी, यूनियन ऑफ टू सेट्स, अभी है इंटरसेक्शंस ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शंस ऑफ टू सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखो, सो सपोज यू कंसिडर दिस इज यूनिवर्सल सेट, ठीक है क्लियर। सपोज दिस इज एंड दिस इज ए सेट एंड सो दिस इज वन, सो दिस इज बी सेट, ठीक है। ए जो पार्ट है सो दिस इज वन, इसको इससे डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शंस बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शंस बी का मतलब है यू विल फाइंड आउट द कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी है, एंड इसको ऐसा करके लिखते हैं सेट में इज द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी है, ये दोनों का बीच में जो कॉमन एलिमेंट है सो उसको लिखते हैं, सो दिस इज ए इंटरसेक्शंस बी। सपोज इफ यू कंसीडर ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सपोज बी इज इक्वल टू सपोज 2 3 4 5, ठीक है। देखो ए दोनों का बीच में ए इंटरसेक्शंस बी क्या है ना, सो दिस इज 2 3, ये दोनों का बीच में जो कॉमन एलिमेंट है सो यू विल राइट लाइक दिस। सपोज ऐसा सिचुएशंस आ जाए, सपोज लेट ए इज इक्वल टू, ठीक है क्लियर 1 2 एंड बी इज इक्वल टू सपोज इज व्हाट 3 4, ये सो जब इसका इंटरसेक्शंस फाइंड करोगे देखो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, सो दैट टाइम यू विल से दैट सो दैट इज 5 है, कोई 5 का मतलब है कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। सो जब ऐसा सिचुएशंस होगा सो यू विल से दैट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट के है ना, टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स सो दिस इज इंटरसेक्शंस ऑफ टू सेट्स, क्लियर। अभी क्या है देखो, ये जस्ट मैंने ऑपरेशंस का जैसा यूनियन ऑफ टू सेट्स के लिए लिखा था ऐसे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स। सपोज ए इंटरसेक्शंस बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन से, एक कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है क्लियर, कम्यूटेटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन। जैसा क्लियर, ए इंटरसेक्शंस को आप इनटू ले लो, ए बी इक्वल टू बी ए है
clear? So this is commutative law for multiplications. And this union ko plus le lo. A union B equal to B union A. So that is what? A plus B equal to B plus A. So this is commutative property for additions. इसको into form में ले लेंगे, ठीक है? So this is associative properties. A क्या है? So this is A क्या था? So this is identity law. A क्या था? A intersection से clear idempotent law. A क्या है? Universals law. So this is obviously you can say clear. A दोनों का बीच में जैसा देखो u x equal to क्या है? 1 से 100 है, ठीक है? And A क्या है? Suppose 1 से 5 है. तो ये दोनों का बीच में इंटरसेक्शन क्या होगा ना, जो छोटा सेट है उसको लिखोगे. सो दैट इज ए है. क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको समझना है. एंड दिस इज वन, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है? ये क्या है? कम्यूटेटिव लॉ. ए एसोसिएटिव लॉ. ये क्या है? आइडेंटिटी लॉ. ये आइडेंपोटेंट लॉ. ए यूनिवर्सल्स लॉ. और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है? क्लियर? सो यहीं पे जैसा देखो जो आपको मालूम है. सो दिस इज, मैंने इसको इनटू लिख रहा हूँ, इसको प्लस लिख रहा हूँ. सो दिस इज एक्स वाई एंड सो दिस इज एक्स जेड. ठीक है? सपोज यहीं पे सब कैपिटल जो शेप जो है कैपिटल कैपिटल लेटर से डिनोट होता है. सो दिस इज इज व्हाट सपोज लाइक दिस. ठीक है? एक्स वाई एंड सो दिस इज एक्स जेड. इसका क्या मतलब है ना? इसका मतलब है दिस. इसका क्या मतलब है? सो दिस इज वाई इंटरसेक्शन. जब सेट फॉर्म में लिखोगे, जब सेट फॉर्म में लिखोगे इसका क्या मतलब है? सो दिस इज लाइक दिस. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो लॉ है सो दिस इज, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है? क्लियर? सो आज आपने क्या क्या सीख लिया? कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंपोर्टेंट लॉ एंड यूनिवर्सल्स लॉ. सो दिस इज कम्यूटेटिव, दिस इज एसोसिएटिव, दिस इज आइडेंटिटी, दिस इज आइडेंपोर्टेंट, दिस इज यूनिवर्सल्स लॉ एंड दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. दैट्स ऑल. Now we'll discuss about difference of two sets. ठीक है? Clear? So this is difference of two sets. ये NCERT में नहीं है लेकिन आपको समझना है. ठीक है? Clear? मैंने यहीं पे extra डाल दिया. So this is जब difference of two sets आप पढ़ रहे हो ये भी आपको मालूम होना चाहिए. Symmetric difference of two sets. Clear? Difference of two sets जो Mr. John ने ऐसा करके represent किया था. Suppose you can see that, so this is A क्या है? A तो universal set है. This is suppose like this. ठीक है? Clear? So this is A set and so you can see that this is B set. ठीक है? And A किसी, so this is A minus B है. A जो part है, so A बोला था जो, so this is A minus B है. A minus B का मतलब क्या है? A से B को निकल देना है. इसका मतलब है सो द सेट थ्योरी में, सो दिस इज इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी है. ठीक है? क्लियर? सो दिस इज ए माइनस बी है. सपोज इफ यू कंसीडर्ड लाइक दिस. ठीक है? क्लियर? सपोज ऐसा क्या है ना, सो दिस इज, suppose this is a set है. ठीक है? And so this is what, suppose this is b set है. Clear? So whenever you will consider this part only. ठीक है? तो इसका क्या मतलब है ना, इसका जो मतलब है so that is what b minus, इसका मतलब है so this is b से a को minus कर दिया. So this is the set of all those x. X belongs to B, but X does not belongs to A है. Clear? इसका मतलब A है. So the same. So my dear friends, and symmetric difference क्या है? देखो, ना symmetric difference suppose like this. So ये दोनों का जो union है, ठीक है? Suppose you consider this is A, this is A set. And so this is B set, this is A set, and so like this. Symmetric difference को इससे denote किया. So this is
ए डेल बी है, ठीक है। सो दिस इज ए जो पार्ट है, सो दैट इज इज सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज ए पार्ट, ए पार्ट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। सो दैट मीन्स क्या, ए डेल बी, ठीक है, इक्वल टू इज व्हाट, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, सो दैट इज नोन एज सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, क्लियर। सपोज इफ यू कंसीडर, फॉर एग्जांपल, सपोज लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू, सपोज सो दिस इज 3 4 5 6, ठीक है। अभी क्या होगा, ए माइनस बी, ठीक है, क्लियर। ए माइनस बी क्या होगा ना, सो दिस इज 1 2 है, एंड सो दिस इज बी माइनस ए क्या होगा, क्लियर, बी से ए को सेपरेट कर दो, सो दिस इज 5 6, एंड सो दिस इज ए डेल बी क्या होगा, सो दिस इज ए दोनों का यूनियन ले लो, सो दिस इज वन, क्लियर, डिफरेंस ऑफ टू सेट एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, ए आपको समझना है, दैट्स ऑल। Now we will discuss a few questions related to union, intersections and difference of two sets. ठीक है, clear? So this is exercise 1.4 from NCERT. Clear? कोई extra questions नहीं, पहले NCERT को समझने का कोशिश करो. So find the union of each of the following pairs of set. ये दोनों का union क्या होगा? So this is x union y. क्लियर, जो रिपीटेड है उसको एक बार कंसीडर करोगे, सो 1 2 3 एंड 5 बस हो गया, ठीक है। एंड हियर देखो क्या क्या रिपीटेड है, ए है और तो कुछ रिपीटेड नहीं है, सो ए यूनियन बी क्या होगा, ए बी सी ई आई ओ यू, सो बस लाइक दिस। एंड हियर नेचुरल नंबर इज यहीं पे क्या है, देखो ए जो सेट है नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 है, सो दिस इज 3 6 9 12 15, ठीक है, 18 अप टू इनफाइनाइट है, एंड सो दिस इज बी जो सेट है नेचुरल नंबर लेस देन 6 है, 1 2 3 4 5, ठीक है, क्लियर। सो ये दोनों का जो यूनियन है, सपोज ए यूनियन बी, क्लियर, जो नहीं है उसको लिख लो 1 2 3, सो दिस इज 4 5 6, ठीक है, उसका बाद क्या है वो 9 12, सो लाइक दिस ए होगा यूनियन बी, ठीक है। अभी क्या है देखो, ए क्या लिखा, ए इज दिस बी इज दिस, क्या इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ऑब्वियसली देखो इसका हर एक एलिमेंट यहीं पे है, सो यस, क्लियर, सो दिस इज ए सबसेट ऑफ बी है, सो दैट इज व्हाट इज ए यूनियन बी, जब ऐसा होगा ए यूनियन, जब ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, so that is where now A B and C है, clear, A and B are two sets such that A union B, ठीक है, जब देखो ये subset है इसीलिए जब A union B होगा, so जो बड़ा set है उसको लिख दोगे, जब A is a subset of B, A union B equal to बड़ा set है, clear, जैसा जैसा ये this is B set and यहीं पे इतना A set है, ठीक है, दोनों का union क्या होगा, तो इसका अंदर ही तो रहेगा ना, सो दैट इज इज बी सेट है। अभी क्या बोल रहा है देखो, जैसा, ठीक है, क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है देखो, जैसा फर्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है, मैंने इसको एक एक करके सारे क्वेश्चंस आप लोगों को प्रेजेंट कर रहा हूँ, सो दिस इज फर्स्ट वन, सो दिस इज ए यूनियन बी, ठीक है, सो दिस इज देखो ये यूनियन बी, ये 3 4 कॉमन है, सो दैट इज उसको एक बार ही लिखना है 3 4, एंड सो दिस इज 5 6, ठीक है। सेकंड में क्या है, ए यूनियन सी है, ए यूनियन सी पे क्या होगा, देखो इस पे तो कोई भी नहीं है, तो सारे एलिमेंट को आपको लिखना है, सो दिस इज 5 6 7 एंड 8 है। अभी बी यूनियन सी, सो दिस इज बी यूनियन सी, बी यूनियन सी पे क्या होगा, 5 6 को एक बार ही कंसीडर करना है, सो दिस इज 5 6 7 एंड 8 है, सो दिस इज, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज बी यूनियन डी है,
बी यूनियन डी क्लियर। ए दोनों का बीच में देखो कोई भी तो एलिमेंट कॉमन नहीं है, सो दिस इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कॉमन होगा तो उसको एक बार ही लिखना, एंड सो दिस इज इज वाई ठीक है। एंड फिफ्थ में क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी है क्लियर। यहीं पे देखो ए दोनों में कॉमन था दिस एंड 5, 6 सो दैट इज इज वाई क्लियर। सो जो कॉमन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो दिस इज 7, 8 ठीक है। देखो ये ए पार्ट यहीं पे कॉमन है ठीक है, तो इसको एक बार ही लिखोगे, सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 है, दैट्स ऑल। Now we'll discuss two questions from exercise 1.4 NCERT. So this is question 6 and so this is question 7. अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया यूनियन ऑफ टू सेट्स का ऊपर डिस्कस किया, अभी क्या है देखो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यहीं पे क्या बोल रहा है ए बी सी एंड डी ये सारे सेट्स गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों का बीच में जो कॉमन एलिमेंट है वो आपको लिखना है क्लियर। सो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी का बीच में जो कॉमन एलिमेंट है, देखो ए एलिमेंट कॉमन है, सो दिस इज 7, 9 एंड 11 है। अभी बी इंटरसेक्शन सी, ये दोनों का बीच में कॉमन एलिमेंट क्या है, 11 एंड 13 है। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, पहले ए दोनों का बीच में देखो क्या कॉमन एलिमेंट है, ए दोनों का बीच में कॉमन एलिमेंट 15 है क्लियर। अभी इसका साथ कॉमन एलिमेंट क्या होगा, सो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, सो दैट इज 5 है। अभी ए इंटरसेक्शन सी, ए दोनों का बीच में देखो कोई कॉमन एलिमेंट है, यस सो दैट इज 11। अभी बी इंटरसेक्शन डी, देखो ये दोनों का बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, सो दिस इज लाइक दिस। अभी बी यूनियन सी ठीक है क्लियर, सो दिस इज बी यूनियन सी क्लियर। यहीं पे क्या है ए पार्ट 11 13 कॉमन था, सो दिस इज 7, 9, 11, 13 एंड 15 है। ए इंटरसेक्शन सो दैट इज व्हाट ए इंटरसेक्शन, अभी ए दोनों का बीच में कॉमन एलिमेंट क्या है 7, 9, 11 सो दिस इज इक्वल टू 7, 9 एंड 11 ठीक है। अभी क्या है देखो ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज एक्सिस का मतलब है एक्स इज ए नेचुरल नंबर, यहीं पे ए इंटरसेक्शन बी 2 ए नेचुरल नंबर ठीक है, तो ये बड़ा सेट है ये छोटा सेट है, सो दैट इज व्हाट 2, 4, 6, 8 जो सारे नेचुरल नंबर्स है उसका बारे में आपको सोचना है क्लियर। अभी ए इंटरसेक्शन सी, ये सबसे बड़ा ए 1, 2, 3, 4, 5 लाइक दिस, और ये सारे ऑड है 1, 3, 5 जो छोटा है उसको लिखना है, सो दिस इज 1, 3, 5, 7 सो लाइक दिस। अभी ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी ये किस पे 1, 2, 3, 4, 5 और इस पे खाली प्राइम नंबर्स का है, सो दैट इज व्हाट 2, 3, 5, 7 ठीक है 11, 13 लाइक दिस ए सारे लाइक दिस। अभी बी इंटरसेक्शन सी ठीक है, ये सारे इवन नंबर है ये सारे ऑड नंबर है कोई भी तो कॉमन नहीं मिले, सो दैट इज 5 है। अभी बी इंटरसेक्शन डी ठीक है, बी इंटरसेक्शन डी में खाली एक ही प्राइम नंबर है, सो दैट इज 2 है, 2 इज द क्लियर ओनली 1 इवन प्राइम नंबर। अभी सी इंटरसेक्शन डी, ये ऑड नंबर है ए प्राइम नंबर है, सो दिस इज ए फर्स्ट क्या होगा देखो ऑड नंबर 3, दिस इज 5, दिस इज 7, दिस इज 11, 13 ठीक है 17 लाइक दिस, ये सारे नंबर है। सो माय डियर फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द सब्जेक्ट्स देन यू फील कंफर्टेबल इन द सब्जेक्ट्स। सो इफ यू वांट टू बी स्ट्रॉन्ग इन मैथमेटिक्स यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ मैथ्स, देन बाद में आपका ये सारे चीज एप्लीकेबल होगा, सो ऑटोमेटिकली आप मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। दैट्स इट। Now we'll discuss two more questions from exercise 1.4 NCERT. So this is यहीं पे क्लियर। अभी आपको क्या क्या मालूम हो गया, यूनियन एंड इंटरसेक्शन मालूम हो गया, अभी आपको सीखना है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ठीक है क्लियर। यहीं पे ए बी सी डी गिवन है ए माइनस बी क्लियर। सो दिस इज देखो ए दोनों का बीच में जो कॉमन एलिमेंट है ए माइनस बी का मतलब क्या है, देखो जो कॉमन एलिमेंट है यहीं पे खाली 12 है ठीक है क्लियर। सो दिस इज
So that means what you will write? You will write a minus b. So that is 3, 6, 9. So this is 15, 18, 21. A hai a minus b. And a minus c. A minus c ka kya matlab hai? Kya kya common hai? This is 6, this is 6. And so this is 12, this is 12. And aur to kuch nahi hai. So this is 3, 9, 15. 18, 21. A minus D. A minus D का मतलब क्या है? So this is A पे क्या क्या common है? So this is 15 common है. Clear? So that is 3, 6, 9, 12, 18, 21. ठीक है? Clear? Same way B minus A. B से A को जब घटाओगे, so it will write. So that is what? 4, 8, 16, 20. ठीक है, C माइनस A, C माइनस A के लिए क्या किया था? So that is what? 2, 4, 8, 10, 14 and so this is 16 है. Clear? जो common element है उसको माइनस कर देना और उसका बाद C का सारे element को लिखोगे. जैसा यहीं पे D माइनस A, जो common element को माइनस कर दो, common element क्या? 15 है. So this is, and D का सारे element को लिख दो, 15 को छोड़कर. So like this. ठीक है, अभी जैसा x माइनस a है. क्लियर? सो दैट मींस क्या a पॉइंट कॉमन है, सो उसको माइनस कर दो, a c d. क्लियर? एंड y माइनस x, y माइनस x a की कॉमन है. ओ सॉरी सॉरी, सो दिस इज एंड सो दिस इज a एंड c है. y माइनस x में क्या होगा? सो दिस इज f एंड g है. एंड ये दोनों का बीच में इंटरसेक्शन क्या होगा? जो कॉमन एलिमेंट है, सो दैट इज व्हाट? बी एंड डी है. क्लियर? सो जो कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट है. एंड जब माइनस करोगे, क्लियर? जैसा इसका सारे एलिमेंट को लिखना है, जो कॉमन है उसको माइनस कर देना. ठीक है, इसका वाई का फर्स्ट सेट का सारे एलिमेंट को लिखोगे, लेकिन जो कॉमन है उसको रिमूव कर देना है. ठीक है, इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू? नाउ आर माइनस क्यू का मतलब है, देखो जो रियल नंबर्स है, दैट इज द यूनियन ऑफ, क्लियर, रैशनल एंड इरेशनल नंबर है. ये रैशनल नंबर्स है, तो रैशनल नंबर को जब माइनस कर दोगे क्या बचेगा? सो इरेशनल नंबर्स बचेगा. ठीक है, क्लियर? सो दिस इज इरेशनल नंबर्स है. रियल नंबर्स जो है, रियल नंबर्स इज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर. जब रैशनल को माइनस कर दोगे बचेगा क्या? इरेशनल नंबर. सो दैट इज इक्वल टू इरेशनल नंबर है. सो माय डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज द ऑपरेशंस ऑन सेट्स है. क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, if you like this video, please share this video to all of your Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram and Twitter friends, as well as all social medias around the world. And don't forget to subscribe my channel, Race2IIT. Clear? Thank you very much for watching my video. That's all.